नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही शानदार शाही लौकी की सब्जी। तो अगर आप में से किसी को लौकी खाना पसंद नहीं है तो एक बार आप इस तरीके से बहुत ही शानदार ग्रेवी वाली शाही लौकी की सब्जी बना के ज़रूर देखें। तो यूट्यूब पर सीकेआर किचन कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ताकि सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो यहाँ पे शाही लौकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ताज़ी लौकी ली है। तो मैंने एक बड़े साइज की लौकी थी तो उसको आधा ले लिया है, लगभग ये 200 ग्राम लौकी है। और इसको हमने अच्छे से धो लिया था, ऊपर से जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो लौकी है वो कच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल पके हुए बीज अंदर नहीं होने चाहिए। तो लौकी को हमने छील दिया है, अब इसको हमको पतले पतले लंबे स्लाइसेस में कट करना है। देखिए लौकी बिल्कुल ताजी और कच्ची है। अगर आपकी जो लौकी है वो पकी हुई है तो फिर जो ये बीज का व्हाइट पार्ट होता है बीज वाला, उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से कट कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से हम पतला पतला स्लाइसेस इसके काट के तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से बनी हुई सब्जी बहुत ही शानदार बनती है। तो जब कभी मेहमान आए घर पे या फिर कोई स्पेशल त्यौहार हो तो आप इसे पूरी के साथ ज़रूर बनाएं, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। और खाने वाले बिल्कुल यही पूछेंगे कि कौन से 5-स्टार होटल से आपने इसको मंगवाया है। और पहली बात तो यह है कि खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये दूधी या लौकी की सब्जी है, बिल्कुल ये पनीर को भी टक्कर देने वाली सब्जी है, इतनी ज़्यादा शानदार बनती है। तो ये हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है लौकी को, तो पतला पतला काटना है ताकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा ऑयल डाल दिया है पैन में, तो हम लौकी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो लगभग 200-250 ग्राम के करीब ऑयल है इसमें, इजीली लौकी हमारी फ्राई हो जाएगी। और फिर इसको हम ऑयल को कम कर लेंगे, जितना हमको ज़रूरत होगी उतना बचा लेंगे सब्जी में ग्रेवी बनाते टाइम। तो अब इसको आपको 60-70% ये लौकी पक जाए उतना इसको हम तल लेंगे, एक तरह से ऑयल में ही पका लेना है हमको। और यहाँ पे हमारी दूधी फ्राई हो रही है तो इसको हम आगे ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ये 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं रफली चॉप करके, 1 हरी मिर्च और 4 हमने काजू ले लिए हैं। तो इस सब्जी की खास बात यह है कि बिना लहसुन और प्याज के बनने वाली शानदार सब्जी है। तो ये हम इसमें छोटे मिक्सी वाले जार में डाल देंगे काजू, हरी मिर्च और टमाटर को, और पीस के इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो हरी मिर्च काफ़ी तीखी है इसलिए मैंने 1 ही ली है, कम तीखी वाली मिर्च हो आपकी तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी लौकी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, एक पीस कट करके देखते हैं। ये देखिए इजीली कट रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है क्योंकि ग्रेवी में भी इसको हम पकाएंगे तो फिर ज़्यादा गल जाएगी सब्जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो ऑयल सारा साइड में आ जाएगा, और हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो ये बिना लहसुन प्याज के बनने वाली बहुत ही गजब की सब्जी है। तो जब कभी आप व्रत करते हैं, हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और भगवान को भी हमें भोग लगाना होता है तो बिना लहसुन प्याज का लगाना होता है, जैसे कि नवरात्रों में, सावन में या फिर किसी भी व्रत में हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये इस तरीके से बनी हुई शानदार सब्जी बहुत ही आसानी से हम बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं, और जो भी खाएगा ना उनको बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी कि इसमें लहसुन प्याज हमने नहीं डाला है। ये बिल्कुल जिस तरीके से हम होटल ढाबा वगैरह से सब्जी लाते हैं ना स्पेशल वाली, बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार होगी, बिल्कुल आसान तरीके से और घर की ही कम सामग्री से। और जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं ना वो बिल्कुल लौकी के फैन हो जाने वाले हैं इसको खाने के बाद में। तो ये देखिए हमने ऑयल को कम कर लिया है, जितना हमको सब्जी में चाहिए उतना रख लिया है, लगभग 3-4 टेबल स्पून। और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी दालचीनी और थोड़े तेज पत्ता, और हल्का सा भुनने के बाद थोड़ा जीरा डाल दिया हमने,
और चौथाई चम्मच हींग डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे स्लो रखें ताकि सारे मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। और अब ये हरी मिर्च, टमाटर और जो काजू को हमने प्यूरी बना के रखा है वो ऐड कर देंगे स्लो फ्लेम करके। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आपको सब्जी में क्रीमी फ्लेवर थोड़ा ज्यादा करना है तो काजू की मात्रा आप थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 काजू डाले हैं तो आप यहाँ पे 6-7 भी डाल सकते हैं। ग्रेवी को पकाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हमने काजू का यूज किया है तो ग्रेवी थोड़ी सी चिपकनी शुरू हो जाती है, तो मोटे तले का बर्तन लें या फिर नॉन स्टिक बर्तन लें ताकि आपको पकाने में आसानी रहे। अब डाल देते हैं यहाँ पे सूखे मसाले। तो 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1-2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। हमने ये सारे रेगुलर वाले ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं और इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो लाल मिर्च को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा तेज स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा खा लें, इसमें कम कर लें। और अगर आप कम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से बैलेंस कर लें। तो सूखे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ डाल देंगे हम 1-2 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी क्रश कर लेंगे। तो ये घर की बनी हुई कसूरी मेथी है इसलिए इसमें थोड़े से बड़े वाले डंठल भी है तो उसको हम निकाल लेंगे। मार्केट वाली कसूरी मेथी के अकॉर्डिंग घर वाली कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा शानदार आता है। तो घर पे कसूरी मेथी किस तरीके से तैयार की जा सकती है तो आप मेरे YouTube चैनल CKR किचन को सर्च करके YouTube पर वहां जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो देखिए मसाले को मिक्स करके हमने ढककर 2 मिनट पकाया है। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर दिखने लगा है, यानी कि ग्रेवी काफी अच्छे से पक गई है। तो ये पहचान है मसालों के पक जाने की। तो मसालों के पकने पर सारा सब्जी का टेस्ट डिपेंड करता है, अगर आप मसालों को अच्छे से नहीं पकाते हैं तो सब्जी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए अब डाल देते हैं यहाँ पे लगभग 3 चम्मच मलाई। मलाई नहीं डालना चाहते तो फिर मार्केट वाली क्रीम डाल सकते हैं 3 चम्मच। मैंने घर की ही फ्रेश दूध के ऊपर जो क्रीम होती है वो ले लिया है और उसको चम्मच से मैंने क्रीम की तरह थोड़ा सा फेंट लिया है, उसको पतला कर लिया है चम्मच से। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ी सी मलाई मिक्स हो जाए तब तक थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखिए मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है, मलाई से घी रिलीज होने लगा है। तो अब ये तली हुई लौकी को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए थोड़ा 1 मिनट पका लेंगे मसालों के साथ में। तो लौकी की और भी कई तरह की सब्जी की रेसिपीज भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन पर अपलोड किया हुआ है, जैसे कि बिना लहसुन प्याज वाली लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते की सब्जी और दही वाली लौकी की सब्जी, कई तरह की डिफरेंट टाइप की लौकी वाले गट्टे की सब्जी। तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो देखिए 1 मिनट हमने इसको ग्रेवी में पका लिया था, तो अब डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा गर्म पानी। तो लगभग इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमको डालना है क्योंकि अभी 2-3 मिनट हम सब्जी को पकाएंगे और सब्जी हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हल्की सी ग्रेवी वाली सब्जी रखनी है, जिस तरीके से हम पनीर वगैरह की सब्जी रखते हैं ना, पनीर की कोफ्तों की, वही वाली इसकी कंसिस्टेंसी हमको रखनी है। तो उसके हिसाब से पानी डाल देंगे हम, पानी गर्म डालें ताकि सब्जी का स्वाद और कलर बना रहे, खराब ना हो।
तो अब इसको ढककर स्लो फ्लेम पर 2-3 मिनट पकने देते हैं। ये देखिए 2 मिनट इसको हमने पकाया है कि बहुत ही शानदार इसका कलर आ गया है और इतनी लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में आती है ना, बिल्कुल वैसी ही। तो अब इसमें हम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देते हैं और देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ग्रेवी ना, बहुत ज़्यादा पतली। और जैसे सब्जी थोड़ी ठंडी होगी ना तो ग्रेवी तो हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस गैस को हम बंद कर देंगे और हल्की सी सब्जी को ठंडी होने के बाद हम सर्व कर देते हैं। देखिए कलर इसका बहुत ही ज़्यादा शानदार आया है, जिसे भी आप खिलाएंगे ना बिल्कुल तारीफ ही पाएंगे और ये आपके किसी भी स्पेशल दिन को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए ये सब्जी आपकी बहुत ही काफ़ी है। आपको कुछ भी और झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये सब्जी बहुत शानदार है। तो ये देखिए हमने इसको सर्व कर दिया और थोड़ी सी देर में ही 2 मिनट में ही जैसे ही सब्जी हल्की सी ठंडी हुई है तो देखिए आप इसका कलर बहुत ही शानदार, बिल्कुल किसी भी मायने में ये किसी भी 5 स्टार वाली सब्जी से कम नहीं है। देखिए एकदम शानदार कलर आ गया और एकदम अच्छी सी गाढ़ी ग्रेवी हो गई है और जिसे भी आप खिलाएंगे ना बिल्कुल वो पहचान नहीं पाएगा कि ये लौकी की सब्जी है। तो हर इंसान बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी शानदार सब्जी आखिर है किसकी। तो एक बार इस तरीके से आप ये सब्जी को जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।